गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइज यहाँ पर डिनर चल रहा है और डिनर में क्या क्या है बता देती हूँ। इन्होंने बाहर से लाया है बिरयानी और तंदूरी चिकन, तो यही हम लोग अभी खाने वाले हैं। और जिनको पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं यार पार्ट, अभी ये था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद मिलती हूँ आपसे, आराम से डिनर करती हूँ। इन्होंने बाहर से ही लाया था तो मुझे घर पर बनाने का टेंशन ही नहीं था आज। तो गाइस सोने का टाइम है और अभी मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ, जो मैं रात को करती हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोग बोल रहे थे कि नाइट टाइम में क्या यूज करते हो, कैसे आपका नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है, वो सब कुछ शेयर करो। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बट थोड़ा ही फर्क होता है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में और डे टाइम स्किन केयर रूटीन में, तो वही आपको आज देखने के लिए मिलेगा कि नाइट टाइम में कौन सा स्किन केयर रूटीन होता है। तो सबसे पहले मैं अपने जो फेस है, मतलब कुछ भी जो अप्लाई किया होता है क्रीम वगैरह, वो सब कुछ निकाल देती हूँ। तो इसीलिए यूज करती हूँ मैं ये गुड वाइब्स का चारकोल वाला फेस वॉश। तो आप देख सकते हो ये फेस वॉश कितना ज्यादा खत्म हो गया है। मैं रात को इसे यूज करती हूँ और क्यों इसे यूज करती हूँ रात को वो भी बता देती हूँ। रात को इसलिए यूज करती हूँ कि बहुत सारी डर्ट मिट्टी, हम मेरे घर पे काम चल रहा है तो सारा कुछ मुंह पे धूल वगैरह ये वो सारा कुछ बैठ जाता है। तो ये ना चारकोल आपके फेस को क्या करता है, डीपली क्लींस करता है और आपके फेस से जो भी डर्ट है वो निकाल देता है। तो इसी वजह से मैं रात को यही यूज करती हूँ, मतलब अच्छे से ये आपके फेस को क्लींस करता है। तो बस इसे अप्लाई कर लेती हूँ और अच्छे से थोड़ी देर इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर देती हूँ और फिर इससे वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद जो स्टेप आती है वो है अपने स्किन को टोन करने की, मतलब टोनर यूज करने की। तो मैं यूज करती हूँ गुड वाइब्स का ये रोज ग्लो टोनर, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब गुड वाइब्स के सारे ही टोनर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, आपकी स्किन को टाइट बनाते हैं और उसके बाद आपकी स्किन पे ग्लो भी लाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपके स्किन पे अच्छे से ग्लो लाता है। इसके बाद इसे एब्जॉर्ब होने देती हूँ, मतलब जो टोनर हमने अप्लाई किया है उसे एब्जॉर्ब होने देती हूँ। उसके बाद मैं यूज करती हूँ ये लिक्विराइज फेस सीरम जो गुड वाइब्स का है, और ये डिटैन फेस सीरम है, इतना ज्यादा अच्छा है ना कि आपकी टैनिंग पूरी हटा देता है। मतलब आपके अनइवन स्किन टोन है वो भी स्किन टोन इवन हो जाएगी। उसके बाद आपके फेस पे डिस्कलरेशन है, मतलब जैसे कि डार्क स्पॉट होते हैं कहीं कहीं जगह पे, कहीं जगह फेयर दिखती है आपकी स्किन, कहीं जगह आपकी रेडनेस होती है। तो किसी ने मुझे रेडनेस के बारे में भी पूछा था, तो रेडनेस वगैरह होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। तो इसे मैं टोनर एब्जॉर्ब होने के बाद यूज करती हूँ और इससे मेरी टैनिंग पूरी हट जाती है। दिन भर जो भी टैनिंग होती है ना वो पूरी हट जाती है। वैसे सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करती हूँ मैं दिन में, फिर भी सनस्क्रीन री अप्लाई करना पड़ता है, तो अगर री अप्लाई करना भूल गई या टाइम नहीं मिला तो ये जो है रात को लगाती हूँ ना, ये मेरी टैनिंग पूरी हटा देता है, जो भी आपकी टैनिंग दिन भर में होती है वो। तो इसे बस अप्लाई करना है और बस छोड़ देना है इस तरह से। जब आपका टोनर एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। आप आंखों के नीचे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि डार्क सर्कल होते हैं तो वो भी थोड़े थोड़े कवर हो जाएंगे, ज्यादा तो नहीं। डार्क सर्कल के लिए अलग से ही क्रीम आती है, वो मैं कभी आपको दिखा दूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे डार्क सर्कल नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में मैंने यूज की, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अभी तो डार्क सर्कल नहीं हो रहे फिलहाल, तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, जब यूज करूंगी तब आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए ये मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद मैं यूज करती हूँ लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए ये पर्पल की लिप बाम। इसमें कोई भी टिंट नहीं है ना, तो इसी वजह से ये रात के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है पर्पल की लिप बाम, इसमें कोई भी टिंट एडेड नहीं है। इसके बाद मैं यूज करती हूँ अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए ये गुड वाइब्स का लिक्विराइज ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, ब्राइटनिंग बॉडी लोशन है, तो इसकी वजह से आपके हाथों पे भी टैनिंग वगैरह होती है या टैनिंग से बचाता भी है आपको, मतलब ब्राइट करता है। तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, बस इसे अप्लाई कर लेती हूँ मतलब हाथों और पैरों पे, तो मेरी बॉडी बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है इससे।
ये एक तो चिपचिपा नहीं है, इसी वजह से आपको रात को लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार नहीं बहुत चिपचिपा लगा के सो रही हूं मैं, और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी वजह से कुछ लगता भी नहीं है आपको। तो ये है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अभी स्किनटेस्टिक सेल चल रहा है पर्पल पे, तो आप उस सेल का फायदा उठा सकते हो और इन सारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो, या आपको सारे प्रोडक्ट परचेस करना है तो सारे प्रोडक्ट भी आप परचेस कर सकते हो। सेल का फायदा उठाइए, इस सेल में आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी तक लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है दी, इसीलिए बार बार बताना पड़ता है कि आपको टाइटल पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारी चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए अभी सो जाती हूँ, गुड नाइट एंड सुबह मिलती हूँ आपसे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी मैं कर रही हूँ वर्कआउट। एक्चुअली ऊपर ये ऐसी कबाड़ी में पड़ी थी, कबाड़ी में मीन्स अभी जब सब कुछ ठीक हो जाता, जब कुछ अच्छे से हो जाता तब ये हम लोग निकालते, बट अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताने मार रहे थे मुझे, इसी वजह से ये मुझे निकालना पड़ा। और इसके बाद मैं अभी ये निकाल के इसके ऊपर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ, थक भी गई हूँ। और हाँ, माही ने कल दो चोटियां बना के दी थी मुझे, क्योंकि ऑयलिंग करके दी थी माही ने ही मुझे, थोड़ा सा ऑयल लगा के दिया था और उसके बाद मुझे ये चुटिया भी बना के दी थी दो दो, तो एकदम स्कूल गर्ल जैसी लग रही होगी ना मैं। तो चलो फिर जल्दी से अभी वर्कआउट खत्म करती हूँ अपना और रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बनाने वाली हूँ मूंगफली की चटनी, उसके लिए मूंगफली भून ली है, उसके छिलके निकाल लिए हैं, उसके बाद उसे मैं अच्छे से पीस लूंगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। पहले मैं ड्राई ही पीसूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें और पीस लूंगी ताकि इसका हमें पतला पेस्ट मिले। और इसके बाद उसमें क्या क्या ऐड करना है वो आपको बता देती हूँ। और सबका मूंगफली की चटनी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इसी वजह से मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इसमें मैंने ऐड किया है धनिया पत्ता लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, नींबू का रस ऐड कर दिया है, एक नींबू का रस, और बस आप चीनी भी ऐड कर सकते हो इसमें अगर आपको पसंद है खट्टा मीठा, तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये पेस्ट रेडी है हमारा, इसे हमें तड़का लगाना है। उससे पहले मैं एक बर्तन में इसे निकाल लूंगी और उसके बाद उसे तड़का लगाऊंगी, और तड़का बस सिंपल सा तड़का है, कुछ नहीं है तामझाम। बस ये छोटा सा पैन लेके मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी, ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं उसमें राई और बस उसमें थोड़ा सा हींग और क्या बोलते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी, और वो जो तड़का है वो ऐड करना है हमें इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा है, जो मूंगफली का पेस्ट है उसमें। इसमें मैं नारियल भी ऐड कर सकती थी, अगर आप मेरे घर पे नारियल होता तो मैं नारियल भी ऐड कर देती, बट घर पे नारियल नहीं था तो इसी वजह से मैंने सिर्फ मूंगफली की चटनी बनाई। अगर नारियल आपको ऐड करना है तो इसी में आप नारियल डाल दीजिए थोड़ा सा और साथ में पीस लीजिए, आपकी नारियल की चटनी भी आप इसी तरह से बना सकते हो, नारियल मूंगफली की। मैं ज़्यादातर नारियल और मूंगफली की बनाती हूँ, तो आज नारियल नहीं था तो इसी वजह से ऐसे बना दी। और कौन कौन ऐसी चटनी बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पर बनाया है माही ने नींबू पानी, टेस्टी वाला,
सुबह सुबह नींबू पानी पीने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ पर मेरा डोसा बन रहा है, यहाँ पर डोसे का बैटर है, यहाँ पर चटनी रेडी है। और चटनी कैसी बनी जरूर कमेंट करके बताना मुझे। ओ माही बोल रही है मम्मा स्मेल कितनी अच्छी आ रही है चटनी की। मैंने बोला खाओगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी डोसा बना लूँगी और इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग पियेंगे नींबू पानी। रेडी है हमारा यम्मी सा डोसा, अभी ये माही और अद्विक खाने वाले हैं ना। टेस्ट करके बताओ मुझे कैसा लगा। बहुत टेस्टी है मम्मा। आप हमेशा टेस्टी बोलती हो, कुछ भी होता है इसलिए बोलती हूँ। और चटनी एक नंबर है। चटनी ना, थैंक यू। चलो अद्विक को भी खिलाना। हेलो। बहुत क्रिस्पी बनाया, टेस्टी भी। चलो अद्विक को भी खिलाओ जो। तो गाइज यहाँ पर ये बन गया है आज। और ये जो डोर का ये था ना माइका, ये वाला बचा था तो ये हमने यहाँ पर लगवा दिया। और उसके नीचे जो है वो वाइट माइका आएगा। वो सब कुछ बना के रखा है, बट कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो लगाना है ना बाकी, तो इसी वजह से कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। आज इतना ही बना है। और डोर पैनलिंग हो गई है ऊपर की, मतलब डोर पर माइका लग गया है पैनलिंग पे डोर के, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलो कहाँ जा रहे हो आप? हवा भरने। हाँ। इतने लोग चाहिए क्या हवा भरने के लिए? इनको बाहर नहीं ले गए ना। तो थोड़ा सैर सपाटा करना जरूरी है। अच्छा अधिक बाय। मेरे लिए क्या लाओगे? मेरे लिए क्या लाओगे? आज मेरी प्यारी सी एक्टिवा निकली है बाहर। चोकोबार। थैंक यू। माई दीदी आगे बैठेगी क्या? कुछ भी आपके दिल से जो लाना है आपको वो लेके आना। हाँ बेटा मुझे मुझे कुछ नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो लेके आना मेरे लिए। बाय बाय। ये किसका पहना है? अद्विक। पापा का नहीं, दीदी का। वो भी उल्टा पहना। दिखाओ दिखाओ। अद्विक नीचे का पहनने की जरूरत नहीं है। अरे रहने दो रहने दो। अभी मैं लुंगी बना के देता हूँ आपको। लुंगी बराबर है। अरे 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 पहनता था भाई। एक दिन क्या करना, अद्दू को फ्रॉक पहन के देना। अद्दू सारे मेरे कपड़े पहनना का, मैं क्या पहनू फिर? अद्दू के कपड़े पहनू। पहन लो, मुझे होगी भी क्या वो? अद्दू आपको होंगे, मैंने इसमें जादू दूंगी तुम। अरे वाह वाह। अद्दू अद्विक को पहना दो। हाँ। देख दे अद्विक को कितना होता है। तो भाई को ही तो लॉन्ग होता वो। जादू रात को आएगा तो डर जाएंगी मम्मा। फेस पे ब्लू होना लगा देना पड़ता है। अरे 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 वाह।
ग्रैनी जैसा दिख रहा हूँ आदि, मैं तो ग्रैनी के जैसा दिख रहा हूँ। ये क्या है अद्वी? हे गाइस, बस अभी हेयर वॉश किया है, नहा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और किसी ने कमेंट किया था कि शाम से रात तक का रूटीन दिखाना, तो मैंने सोचा चलो आपको आज शाम से रात तक का रूटीन दिखा देती हूँ। और वैसे भी एक रीज़न और है कि ये रूटीन मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ना सुबह मुझे एकदम अजीब सा लगा जब मैंने डोसा बनाया, उसके बाद मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा था, मैंने खाना बनाया और तुरंत मैं सो गई, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मतलब पता नहीं कैसे हो गया था। मुझे कुछ भी कभी भी हो जाता है, कोई वो नहीं है, बट मैं सो गई आज, बहुत अच्छे से नींद पूरी हुई, सुबह भी नींद पूरी नहीं हुई थी, बहुत जल्दी उठी थी मैं क्योंकि एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। आपको जैसे बताया था दिल पे ले लिया यार मैंने, थोड़ा सा हस्बैंड की बात चुप जाती है, वो दिल पे ले लिया थी, इसी वजह से मैं सुबह उठी, एक्सरसाइज की मैंने अपनी, और उसके बाद मुझे अजीब सा ही लगने लगा कुछ देर के बाद, तो फिर मैं सो गई। वैसे कभी भी नहीं सोती हूँ मैं दोपहर में, मतलब कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम सोती हूँ दोपहर में, बट अभी आज सो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो चलो मैंने सोचा चलो फ्रेश फ्रेश मूड में फ्रेश फ्रेश ब्लॉग बनाते हैं। और शाम का रूटीन दिखाने जाऊँ तो शाम का रूटीन इतना कुछ ये नहीं होता है, बस दिया बत्ती वगैरह लगाती हूँ, शाम को एक बार झाड़ू मार लेती हूँ, झाड़ू मार लिया है, वो लोग चले गए थे तो ऐसे ही मैंने नहाने से पहले झाड़ू मार लिया था, मतलब जो कारपेंटर गए ना उसके बाद बहुत कचरा हो जाता है, उसके बाद मैंने झाड़ू मार लिया, एक बार पोछा मार लिया, उसके बाद मैं नहाने गई, जल्दी जल्दी करना था इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जल्दी से नहाने गई और उसके बाद नहा के आई, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, सुबह से आपसे बात ही नहीं हो पाई अच्छे से, तो कैमरा के सामने ही नहीं आई मैं सुबह से, तो अभी आपके साथ बात अच्छे से कर लेती हूँ। तो चलिए अभी आज मैं बनाने वाली हूँ, सुबह तो डोसे बनाए, अभी अद्विक बोल रहा है कि अभी उत्तप्पे खाने हैं उसे, अभी कुछ वो क्या बोलते हैं डोरा केक देखे उसने, तो बोल रहा है डोरा केक बना दो, डोरा केक बना दो, मैंने बोला डोरा केक जैसे ही मैं उत्तप्पा बना देती हूँ आपके लिए, उसका बैटर बचा है तो उत्तप्पा बना देती हूँ उसके लिए, और सुबह के इनके लिए ये इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब बोर हो गए आर्मी में वही 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 खा के, तो इसी वजह से इनके लिए आज सुबह की दाल पालक बची है ये यहाँ पे, और रोटी है, चावल है, वो है, तो ये खा लेंगे वो, और हमारे लिए उत्तप्पा हो जाएगा, तो हम छोटे छोटे उत्तप्पे बनाती हूँ मैं अद्विक के लिए, मेरे लिए और माही के लिए, तो चलिए उत्तप्पे बना लेती हूँ अब। यहाँ पर ये उत्तप्पे के लिए बैटर है, और यहाँ पर मैंने ये प्याज और टोमेटो काट के रखे हैं बारीक वाले, और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उस तरह से भी बना सकते हो जैसे मैंने पहले बनाया, और ये अभी मैंने इसमें ही पूरे प्याज और टोमेटो ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने बैटर डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर ये बन रहा है। अब आप इस तरह से भी बना सकते हो। चलिए गाइस, खाना वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, और अभी बज रहे हैं 9:30, तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो, अभी अद्विक बोलेगा आपको लाइक करने के लिए। बाय। अरे
बाय नहीं लाइक करने के लिए बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी का बटन भी दबा दो, और उसे ऑल पे क्लिक करना, हाँ, नोटिफिकेशन बेल को, हाँ, और लाइक जरूर करना, हाँ, और सब्सक्राइब भी करना और घंटी का भी दबाना, हाँ। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ऐसा करो, लव यू ऑल करो ना, लव यू ऑल।